ड्राइवर है वो उसने थप्पड़ मारा है। किस तरह से ये थप्पड़ मारा गया आप देख सकते हैं तस्वीरों में। रोड शो के दौरान ये ऑटो ड्राइवर लाली, जिसका नाम बताया जा रहा है, हालांकि ऑटो यूनियन की तरफ से ये कहना है कि ये ऑटो ड्राइवर नहीं है, हालांकि पुलिस अभी हिरासत में से लेकर गई है, इससे पूछताछ की जा रही है आखिर ये शख्स कौन है, किस तरह से ये गाड़ी पर चढ़ा जिस पर अरविंद केजरीवाल, राखी बिड़ला सवार थी और पहले फूलों की माला पहनाई अरविंद केजरीवाल के गले में और उसके बाद उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। आपके कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा और इसकी जमकर धुनाई कर दी, उसके बाद इसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। हमने भी सोचा कि एक समरी बनाई जाए और आप लोगों से साझा किया जाए कि हमारा क्या असेसमेंट रहा है, हमारी क्या सोच रही है इस कैंपेन के ख़त्म होने के कगार पे आखिरी दिन में। अभी सुनने में आया है कि कुछ पार्टियों का, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई सर्वे हुआ है और उससे संदेश इस किस्म के मिल रहे हैं, ज़्यादा स्पष्ट आंकड़े तो नहीं है, संख्या तो नहीं है। सुदीप पांडे वो हालांकि चुनाव से जुड़ी किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, किरोड़ इलाका है दिल्ली का, यहाँ पर राखी बिड़लान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और उसी दौरान एक शख्स ने उनको किस तरह से थप्पड़ मारा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थप्पड़ इतनी जोर से मारा गया है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर सूजन आ गई है, उनकी आँख के नीचे भी सूजन आ गई है। अरविंद केजरीवाल के बाएं गाल पर थप्पड़ मारा गया है। राजघाट पहुंचे फिर वो रोड शो के बाद, यहां पर वो बैठे हुए हैं, उनकी आंख के नीचे उनके चेहरे पर आप सूजन साफ देख सकते हैं। मौन धारण कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, शांति से यहां पर बैठे रहे और जब वो राजघाट से निकल रहे थे पत्रकारों ने जब उनसे जानना चाहा तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा नाम लाली है, लाली झूठ बोला केजरीवाल, झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। सब पब्लिक को बहुत झूठ बोला, वो पब्लिक सबको टोपी पहनाया। क्या 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 झूठ बोला? झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है, 10 रुपये चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये चंदा दिया, भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, सब बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपये दिए हैं, पर्ची है मेरे पास, झूठ बोला। सबसे लिए? सबसे लिए, सबसे चंदा। तो ये वही शख्स है जिसका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने सबको टोपी पहनाई है, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे हमसे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, नाराजगी इस बात को लेकर थी। ये है वो शख्स जो अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा था, उस दौरान उन्हें माला पहनाने के बहाने इस गाड़ी पर चढ़ा और अरविंद केजरीवाल को पहले माला पहनाई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को एक थप्पड़ जड़ दिया। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ इतनी जोर से मारा गया है कि उनके चेहरे पर सूजन आ गई है। झूठ बोला केजरीवाल, झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। सब पब्लिक को बहुत झूठ बोला, वो पब्लिक सबको टोपी पहनाया। क्या 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 झूठ बोला? झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है, 10 रुपये चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़।